और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। देहरादून, पौड़ी और बागेश्वर में भारी बारिश की आशंका है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट, मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट है ही और उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर में भी बारिश की आशंका है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है। सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून लाइव। पंकज राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे पहले तो देहरादून का अपडेट बताइए कि वहां मौसम कैसा है, और मौसम विभाग ने तो पूरे उत्तराखंड के लिए ही कह दिया है कि भारी बारिश के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, देखिए अभी मौसम में हल्की राहत मिली हुई है और धूप खिली हुई है, लेकिन बादल अभी भी छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ देर बाद ही बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन देर रात जिस तरह से बारिश देहरादून में हुई थी, उससे कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है और ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहा तो आने वाले 2-3 दिनों तक भी ऐसे ही बारिश होने की संभावना है। और मौसम विभाग ने भी वैसे 13 सितंबर तक प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और रात भर जो बारिश हुई है उससे काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि अभी हल्की रात लोगों को मिली है कि सुबह से बारिश नहीं है और ये कहा जा सकता है कि इससे हल्की राहत मिलने से थोड़ी राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि बारिश जिस तरह से हुई थी उससे जलभराव की स्थिति पूरे प्रदेश भर में बनी है और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम का मिजाज बना रहेगा और खासकर अगर हम पर्वतीय जिलों की बात करें तो वहाँ पर मौसम ने लोगों को दिक्कतें बढ़ा दी हैं लोगों की, और जिस तरह से लैंडस्लाइड और कई की सूचनाएं अलग अलग से मिली हैं उससे परेशानी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब तक बारिश का मिजाज इस तरह से रहता है, भारी बारिश होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो यात्राएं हैं वो लोग करने से बचें, क्योंकि वहां पर अगर यात्राएं होती हैं तो लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह जाम की स्थिति बन जाती है। और जिस तरह सूचना मिल रही है कि कई जगह लैंडस्लाइड होने से यातायात भी बाधित हुआ है, हालांकि उन्हें खोलने का सिलसिला जारी है और अब ये देखना होगा कि यदि मौसम का मिजाज इस तरह से बना रहता है तो आने वाले दिनों में किस तरह लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि पर्वतीय जिलों में यदि ज़्यादा बारिश होती है तो जो मैदानी जिले हैं उत्तराखंड के, अगर हम हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर नदियों का जलस्तर बढ़ता है। देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में इससे दिक्कतें झेलनी पड़ जाती है। गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ही जो कालागढ़ से रामगंगा नदी है उसके जलस्तर बढ़ने से बिजनौर, मुरादाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो कह सकते हैं कि अभी इस तरह का मिजाज रहने वाला है मौसम का, आने वाले दिनों में भी और दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 15 सितंबर के बाद हल्की राहत मौसम से मिल सकती है और 20 सितंबर के बाद मौसम के जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ज्यादा राहत लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, और अभी चाहे बात पहाड़ की हो या मैदान की, सबको भारी बारिश के लिए तैयार रहना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिए।